राजस्थान की महिला आईएएस के पति को फंसाने की साजिश। सीआईएसएफ के कमांडेंट पर षड्यंत्र का आरोप। विदेश मंत्रालय में डेप्यूटेशन पर पोस्टेड था सीआईएसएफ का कमांडेंट। आईएएस के पति को फंसाने के लिए कार में रखी 500 ग्राम चरस। दिल्ली पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश किया। आरोपी कमांडेंट आरपी सिंह और उसका एक साथी नीरज चौहान गिरफ्तार। इन्फॉर्मेशन आई कि एक गाड़ी में संदिग्ध पदार्थ है, उस गाड़ी की सर्च की गई, थरू सर्च की गई और उसमें करीब 550 ग्राम चरस पाया गया। उसके बेसिस पे हमने पीएस लोधी कॉलोनी में 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि दो व्यक्तियों ने उस गाड़ी में जो पदार्थ मिले थे उसको प्लांट किया था। मोटिव इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। वी आर ट्राइंग टू असर्टेन द फैक्ट्स बाय दीज टू पर्सन्स डिड इट, बट वी हैव इनफ टेक्निकल एज वेल एज अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट दैट बोथ दीज पर्सन्स वर इन्वॉल्व्ड इन प्लांटिंग द ड्रग्स इन द वेहिकल। दिल्ली पुलिस ने सीआईएसएफ के एक सीनियर कमांडेंट को, जो फिलहाल विदेश मंत्रालय में तैनात है, और उसके दोस्त को जो पेशे से वकील है, उन दोनों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों मिलकर राजस्थान में तैनात एक महिला आईएएस के पति को ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि इस I-20 कार में एक सवार शख्स है जो लोधी कॉलोनी इलाके में घूम रहा है और उसकी कार में ड्रग्स है। दिल्ली पुलिस की टीम, लोधी कॉलोनी इलाके की जो टीम है, वो लोधी कॉलोनी के आसपास पहुंचती है और उसके बाद इस कार को ट्रैक किया जाता है, I-20 कार को। इस कार में जो शख्स सवार था उसको हिरासत में लिया जाता है। जब कार की तलाशी ली जाती है तो उसमें से चरस बरामद होता है। उसके बाद कार को पुलिस थाने ले आती है और उस शख्स से जब पूछताछ की जाती है तो वो शख्स अपना नाम अमित सावंत बताता है। और जल्द ही पुलिस को ये भी खबर मिलती है कि अमित सावंत की बीबी वो महिला आईएएस है जो राजस्थान में पोस्टेड है। अमित पुलिस को पूछताछ में बताता है कि उसके कार में ड्रग्स कहां से आया, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि उसे फंसाने की साजिश रची जा रही हो, जिसके बाद पुलिस ने लोधी कॉलोनी इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही पुलिस को जिसने इस बात की खबर दी थी कि आखिर कार वहां पर ड्रग्स लेकर घूम रही है, उस शख्स की तलाश भी की गई, जिसके बाद सीसीटीवी और फोन सर्विलांस के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया। दोनों को हिरासत में लिया गया, जिन शख्स को उनसे जब पूछताछ की गई तो एक शख्स ने अपना नाम आरपी सिंह बताया, जो सीआईएसएफ में सीनियर कमांडेंट है, फिलहाल विदेश मंत्रालय में तैनात है, जबकि दूसरे शख्स का नाम नीरज चौहान था जिसने पुलिस को खबर दी थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सीनियर कमांडेंट और वकील दोनों ने मिलकर महिला जो आईएएस जो पति थे उसको फंसाने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चरस लाया गया था और इस कार में जिसमें महिला आईएएस के पति सवार थे, इस कार में रख दिया गया और फिर पुलिस को खबर दी गई। दोनों को सीनियर कमांडेंट, जो फिलहाल विदेश मंत्रालय में तैनात है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके दोस्त नीरज चौहान जो वकील है उसको गिरफ्तार किया है। ये कार भी पुलिस ने सीज की है। आगे आप देख पा रहे हैं विदेश मंत्रालय का बाकायदा स्टिकर लगा हुआ है। ये कार सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट की, जो फिलहाल विदेश मंत्रालय में तैनात है, इस कार को भी जब्त कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और फिलहाल अदालत में पेश कर दिया गया है और पुलिस अब उनको रिमांड पर लेगी और आगे की पूछताछ करेगी। लेकिन दोनों ने मिलकर आखिर महिला आईएएस के पति को फंसाने की कोशिश क्यों की, इस बात का खुलासा पुलिस ने अभी तक नहीं किया है।